नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको अवगत है कि हम शिक्षकों को अभी दीक्षा ऐप पे तीनों मॉड्यूल जो हमारे हैं, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण, आधारशिला पर आधारित 6 प्रशिक्षण पूरे करने हैं और उनके प्रमुख बिंदु का सार बना करके तैयार करना है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रशिक्षण 1 और प्रशिक्षण 2 के विषय में जाना, उनके प्रमुख बिंदुओं को देखा कि किस तरह मैंने बनाया था। आज प्रशिक्षण 3 के विषय में जो उसके प्रमुख बिंदु हैं, जो सार हैं, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज का प्रशिक्षण है प्रशिक्षण 3 और प्रशिक्षण का शीर्षक है रोचक प्रस्तावना। तो देखते हैं, किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यदि उनकी भूमिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तत्पर होंगे। यही ध्यान आकर्षण तकनीकी रोचक प्रस्तावना है। शिक्षक को अपनी विषय संबंधी पाठ या प्रकरण को प्रस्तुत करने से पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 3 से 5 के मध्य होंगे। मतलब जो हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न हम निर्मित करेंगे वो ना तो बहुत अधिक होंगे और ना ही बहुत कम होंगे। शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व किसी रोचक घटना या गीत से शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग करते हैं कि अपनी कक्षा की शुरुआत हमें विषय वस्तु से ही नहीं कर देनी चाहिए, पहले किसी रोचक घटना या गीत से करनी चाहिए जिससे बच्चे उत्साहित हों और कक्षा में जुड़ पाए, उसके बाद हम अपने विषय वस्तु की तरफ आएंगे। प्रस्तावना ना तो अधिक लंबी हो और ना अधिक छोटी हो। जो हमारी प्रस्तावना है वो ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना बहुत छोटी होनी चाहिए। प्रस्तावना कौशल के साथ सूक्ष्म पाठ तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। तो इस प्रशिक्षण ने हमें बताया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व ज्ञान, उनके मध्य संबंध, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए और सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है वो 5 से 60 मिनट के कालांश में पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अगर हमारा जो कालांश है वो 35 से 40 मिनट का है तो हमें प्रस्तावना के लिए 5 से 7 मिनट का समय ही रखना है। उसमें हमें अपनी प्रस्तावना के प्रश्न निकालने हैं, विषय वस्तु तक आ जाना है। कहानी, कविता, रोचक प्रसंग, गीत से कक्षा की शुरुआत करें। इस तरह से हम बच्चों को एक अच्छे माहौल में विषय वस्तु की तरफ ले जा सकते हैं। शिक्षण कार्य की शुरुआत नवाचारी, रोचक एवं बाल केंद्रित गतिविधियों से की जाए तो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो तो बच्चों के अंदर सीखने का एक अलग ही उत्साह और जज्बा नज़र आता है। ये स्वाभाविक है कि बाल मन ऐसा होता है कि यदि वो जो पहले से जानता है उन चीज़ों से हम शुरुआत करें तो बच्चे अच्छे से विषय वस्तु से जुड़ पाएंगे। उनको लगेगा कि ये तो हमें पहले से ही आता है और आज भी हमें इससे आगे सीखना है। तो ये था प्रशिक्षण 3। अब आते हैं प्रशिक्षण 4 की तरफ। प्रशिक्षण 4 है, उसका शीर्षक है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रशिक्षण का सार यही है। तो पहले, शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से बच्चों का सीखना सुगम, रोचक व स्थायी होता है। तो अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM का उपयोग करते हैं तो बच्चे सुगमता से सीखते हैं, उनकी रोचकता बढ़ती है और जो सीखते हैं उनका ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो अगर हम कक्षा 1-2 को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारी विषय वस्तु के अनुसार हमारे TLM होने चाहिए, और कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनके मानसिक स्तर के हिसाब से TLM होने चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग होना चाहिए।
शिक्षण अधिगम सामग्री प्रकरण को स्पष्ट व सरल करने में सहायक हो तथा उनके निर्माण में अधिक समय व ध्यान व्यय न हुआ हो। तो जो भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें, वो हम जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे प्रकरण को और स्पष्ट और सरल करने में सहायक हो और उसके निर्माण में हमें बहुत अधिक धन और समय को बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही साधारण धन के व्यय से उसको निर्मित करना है। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से क्या होगा? बच्चों को प्रकरण की समझ बनेगी, बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, बच्चों की पाठ में रुचि बढ़ेगी। शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हृदयग्राही और बोधिगम्य बनाती है। तो जैसे कि जाहिर है कि अगर हम रटंत प्रणाली से या पुरानी प्रणाली से बिना शिक्षण अधिगम के उपयोग से शिक्षण करते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए होता है और अरुचिकर भी होता है, लेकिन यदि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और उनका ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग से स्वयं करके सीखते हैं, जिससे वो उनका सीखना रोचक व स्थायी हो पाता है। अब कुछ हमें दृश्य श्रव्य और श्रव्य सामग्रियों के विषय में भी प्रशिक्षण में बताया गया है। दृश्य सामग्री में क्या क्या है? ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, चार्ट, ग्लोब, स्थिर व कार्यकारी मॉडल, फ्लैक्स कार्ड, चित्र कथाएँ, वर्णमाला, आकृतियाँ और गिनतारा, ये हम दृश्य सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य चलचित्र, नाटक, कठपुतली, इनका उपयोग शिक्षण अधिगम के तौर पर किया जा सकता है। श्रव्य सामग्री जिनको सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे कैसे उपलब्ध हो सकती है? स्वनिर्मित हो सकती है, परिवेश में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग, जैसे हम स्वनिर्मित करते हैं, बहुत से टीलम हम खुद बनाते हैं और परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री, विभाग के द्वारा भी हमें बहुत सी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं जिनसे हम उनको सिखा सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए, कई विषयों के विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक हो। मतलब हमें ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिनका हम कई विषयों या शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं, वो बहुउद्देशीय होने चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण 3 है रोचक प्रस्तावना और प्रशिक्षण 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो अब 2 प्रशिक्षण बचे हुए हैं, 6 प्रशिक्षण की पूरी श्रृंखला है। तो ये था पूरा सार दोनों प्रशिक्षणों का, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं उन 2 प्रशिक्षणों के साथ, प्रशिक्षण 5 और प्रशिक्षण 6। तब तक के लिए धन्यवाद।